सुबह सुबह हम लोग अभी निकले हैं। कल रात को कैसे बैठे थे वो हम ही जानते हैं, बट अभी ठीक है। सुबह सुबह खेतों पे घूम रहे हैं पंजाब के बागियों में। हमारे भाई साहब हमको गाइड कर रहे हैं, बाकी एज यूजुअल सेम है। हेलो गाइस, कल हम लोग चलते 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 इतने दूर आ गए और हम लोग को सोने के लिए कहीं जगह नहीं मिला, तो फाइनली हम एक गांव के पास, यहां पे एक गुरुद्वारा है, यहां पे पहुंचे थे। और रात को ये वाले हॉल पे ऊपर हम लोग को बिस्तर और कंबल दिया गया था सोने के लिए, तो वहां पे हम दोनों सोए थे। अभी और एक भाई मिले हैं यहाँ पे, हमारे फौजी भाई है। उनके गाड़ी में मैंने सामान रख दिया और थोड़ा गांव घूम के आया हूँ। अभी लंगर वंगर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। गुरुद्वारा सच में बहुत अच्छा रहता है, आपको खाने बैठने का सब रहता है। और ये बाबा बुड्ढा साहिब ना, बर्थ प्लेस बाबा बुड्ढा साहिब का जन्म स्थल है। यहाँ पे हम लोग रात को पहुँचे, यहाँ पे सब सुविधा मिल जाती है आपको, बाथरूम वगैरह और सोने के लिए खाने के लिए सब मिलता है। पंजाब के गांव में इसे अच्छा और क्या चाहिए, आप अटक गए हो यहाँ पे, आ जाओ बैठो। चलो अभी लंगर वंगर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग लंगर ले रहे हैं, दाल और रोटी। विनोद भाई यहाँ पे ले रहे हैं, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ दाल और रोटी। बहुत बढ़िया, यही गुरुद्वारा है जहाँ पे हमने 12 घंटे बिता लिए कल रात से लेके अभी सुबह तक। तो काफ़ी अच्छा है, शांत है, गांव में है। तो अभी यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, तो यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। थैंक यू बाबा बुड्ढा साहिब गुरुद्वारा, बाय। आगे की जर्नी चालू हो चुकी है, हाईवे पे आके बैठ गए हैं। यहाँ से पठानकोट से डलहौजी जो है हिमाचल में आता है, वहाँ पर जाने का प्लान है। और यहाँ पे अभी बस के लिए आ गए, ये कार में आए थे, वहाँ से गुरुद्वारा से यहाँ तक भाई साहब लेके आए थे। अभी यहाँ से बस मिलेगी, बस में जाएंगे। तो थोड़ा धूप है, थोड़ी ठंडी है, ठीक है यार। पठानकोट वाली बस में अभी हम लोग पठानकोट पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ा यूनिक कर रहा हूं इस बार, क्योंकि हर टाइम हिमाचल होता है तो मनाली से या चंडीगढ़ से एंट्री होता है, इस बार पठानकोट से एंट्री कर रहे हैं और डलहौजी के और एंट्री करेंगे। वहां से फिर घूमते घूमते ऊपर मनाली के और जाएंगे। तो ये पठानकोट है, पंजाब में आता है और पाकिस्तान का बॉर्डर भी है पठानकोट। तो अभी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर है बोल रहे थे लोग, बट हम क्यों जाएं उधर, काम है नहीं। यहाँ से डलहौजी का बस चेक कर रहे हैं और डलहौजी के और जाएंगे। ये बस स्टेशन पठानकोट का, तो ये है हिमाचल परिवहन का बस है, कौन सा है पता नहीं, कोई किसी का तो बस ही लगे, गवर्नमेंट का ही है। दो स्टेट में से किसी एक स्टेट का है, पंजाब का ही होगा, ज़्यादा पंजाबी में लिखा है। और ये बस आया है चंडीगढ़ से और जाएगा डलहौजी यहाँ से पठानकोट से। और ऐसे बस से यात्रा कर रहे हैं भाई साहब हम, बहुत दूर से मुंबई से यहाँ तक, तो ऐसे ही करते जाएंगे, डरते थोड़ी ना किसी से, सस्ता है, अच्छा है। और आज कल डलहौजी बहुत प्यारी जगह है, डलहौजी को इंडिया का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है।